अडानी पीटीआई और पीपल्स पार्टी इनका कोई इल्हाक हो सकता है, क्योंकि वो तो हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी मिल बैठ कर जो है हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। बानी पीटीएम के साथ इलाहाबाद की तो बिलावल ने पहले भी कोशिश की थी, बिलावल जब पीटीएम गवर्नमेंट का आखिरी रोज था तो बिलावल बड़े मुतारिक थे कि बनगली में धकेल दिया गया एक पार्टी को, तो हम इसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकते और हमारे बड़े जो हैं हमारे लिए मसाइल ना पैदा करें। लेकिन आसिफ जरदारी ने उन्हें उस वक्त ना शटअप कॉल दी थी कि मतलब उन्होंने कहा था बिलावल तो मेरा बेटा है, मतलब उसे मैं बताऊँगा कि क्या करना है, मैं शरीक चेयरमैन हूँ पार्टी का, मैं बिलावल को मनोवन वो फैसले नहीं करने दूंगा जो बिलावल खुद सोचेगा। तो मेरे ख्याल से अब जरदारी साहब को ये टास्क दे दिया गया है कि बिलावल को वो रोकें कि पीटे की तरफ गया तो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, और अयान अली वाले जो वाकया थे और या जो डॉक्टर आसिम के साथ होता रहा वो कुर्सियाँ फरियाल तालपुर पर जो केसेस बने हैं वो दोबारा बन सकते हैं, तो इसलिए बिलावल थोड़ा संभल कर खेलें। ठीक है, अच्छा।